आज इंडिया में हिंदी के बाद तेलुगु इज द बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री, और ऑस्कर जीतने के बाद तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि हम लोग फ्लावर नहीं फायर है। तो हम भी ना इसी फिल्म इंडस्ट्री के एक छोटा प्रोजेक्ट आपके पास लेके आए हैं, और उसका नाम है डॉलर कृष्णाराम। तो मेरा नाम है राज, आई एम ए फिल्म मेकर फ्रॉम हैदराबाद। मैं उमामेश्वर हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, और हम दोनों बिरयानी और बाहुबली की शहर माहिष्मती नहीं हैदराबाद से आए हैं हम लोग। साउथ में तो सिनेमा इज अ रिलीजन, सिनेमा इज अ पैशन, एंड सिनेमा इज एन इमोशन फॉर अस, एंड आवर लव फॉर सिनेमा इज सच दैट वी ड्रिंक स्लीप एंड ईट सिनेमा। हमने 2023 में एक फिल्म बनाई है #कृष्णारामा। #कृष्णारामा को हमने ईनाडू टेलीविजन नेटवर्क के ईटीवी विन ऐप पर रिलीज किया है। इसी का सीक्वल है डॉलर कृष्णारामा। आजकल छोटे बजट फिल्म्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। ये प्रोड्यूसर्स को दोगुना तीन चार गुना प्रॉफिट्स कमा के भी दे रहे हैं, और बड़े बड़े फिल्म्स को टक्कर भी दे रहे हैं। इसीलिए हम आपके पास एक छोटी बजट फिल्म लेके आए हैं। इस छोटी बजट फिल्म को बड़ा बनाने के लिए हमारी आस्क है 2 crores for 30% of equity. Equity of the company or of your production house? Of the project. I'm a big movie fan. In fact, Gautami, one of my favorite actresses hai. I think she's fantastic. सीक्वल पे आने से पहले पहली जो मूवी बनाई आपने विच इज #कृष्णारामा, थोड़ा उसे अंडरस्टैंड करना है टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ द सीक्वल, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। नमिता, दिस इज अ प्री अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फ्रॉम ईटीवी, दे गेव अस 2.9 एंड वी कंप्लीटेड दिस इन 2.62। ओके, सो 28 lakh ऑफ प्रॉफिट। 2 करोड़ में आपने पिछली बार पिक्चर बना दी थी, 2.62 करोड़ में फिल्म बन जाती है, दैट्स इट, including artist ke paise aur production. This project for sequel with the same artist, we shooting in US. So that's the reason this project cost is 4.5 crore. No, I'm just asking you 2 crore. I don't know. Pictures are made in 50-60 lakhs also. The first 2 weeks, it garnered about 40 million viewing minutes. Divided by 120 minutes of the film duration, it comes to about 3 lakh viewers. In total. Basic भाषा में रुपीस में समझाएंगे कितना पैसा उन्होंने कमाया? 67 crores. 67 crores. Yes. Yes. See, this we are talking of the number if they go to theater. Inadu का इसका OTT platform है. वहाँ पर आपको मिले 40 million, तो आपने count किया. Count किया. और आपने ये सोचा कि इसको अगर मैं multiply कर दूँ ticket price से. Yes. 3 lakh viewers को, तो 6-7 crores revenue. That is fundamentally flawed argument. आपका बोलने का ये मतलब है कि अगर कोई भी कंटेंट पीस ओटीटी पे रिलीज होता है, अगर वो ओटीटी पे ना जाके थिएटर पे रिलीज होता, तो जितने लोग ओटीटी पे देखे हैं वो थिएटर में जाके देखते। आज हम अनुमान नहीं लगा सकते कि 5% जाते या 10% जाते या 15% जाते, इनफैक्ट कोई नहीं जाता। व्हेन यू आर इन थिएटर्स, आपको इतनी विंडो मिलती है, वीकेंड आपको मिलता है, द वीकेंड वर्क्स थ्रू मार्केटिंग। जितना आपने प्रोडक्शन पे खर्चा किया उससे ज्यादा आपको मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ा टू ड्राइव ऑडियंसेस एंड देन होप दैट वर्ड ऑफ माउथ विल कैरी द फिल्म। तो ये अनुमान लगाना हाउ मच दिस विल ड्राइव इन द थिएटर इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले तो आपका टैक्स जाएगा, जो भी थिएट्रिकल बिलिंग होगा 18% होगा शायद, उसमें से जो बचा 82%, 55% of that will go to the distributor. You will eventually get 30-35% क्योंकि distributor share भी होगा बीच में। तो अगर 10 करोड़ रुपया बनेगा theater पे, आपके हाथ में ultimately 2.5-3 crore आए। That is only for the theater. Yes. We have an OTT and satellite market. We have an audio market. Then you have some of the revenue market streams of that. देखिए, इस movie का estimate करना कि कितना revenue हुआ is hard, तो आप अपने बाकी movies का बताइए, कौन कौन सी movies की हैं, उसमें कितना revenue बना, कितना investment था, कितनी total movies आपने साथ में की हैं? See, our films, we already done every film we've done in 1 and 1.5 crore. पांच पहले किए, पांच films पहले किए, six किए थे, this is the seventh, like we're okay, pitching. तो पांच इससे पहले की थी, उसमें से कोई theater में गई थी? Yeah, first film, all the five. Okay, okay. Mostly satellite जो थी, actually covered all the costs of our films. आप specifically बता दीजिए, 1.5 crore average बजट बताया आपने पांच फिल्म का, एवरेज अर्निंग आपके पॉकेट में आफ्टर कटिंग ऑल अदर एक्सपेंसेस कितना था? 40-50 lakhs. तो आपने 1.5 crore लगाया और 40-50 lakhs आपने बनाया, और पिक्चर ने कितना पैसा बनाया? ओवरऑल 3 crores. हाउ मेनी फ्लॉप्ड आउट ऑफ दिस एंड हाउ मेनी वर हिट? क्योंकि अभी टू वर फ्लॉप्स. तो 50% चांस आपने बोल दिया कि हमारे पैसे डूब गए, आप खुद ही बोल रहे हो। नो, दिस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट फॉर श्योर, लेकिन नो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर गेट्स अप इन द मॉर्निंग सेइंग आई वांट टू मेक अ फ्लॉप। Everybody is trying to make a hit. Yes. But invariably 50% flop.
Yep. At least with your record. It's in fact industry-wide to 80% flop. 2 crore आप ले रहे हो हमसे. आपको क्या लगता है ये 2 crores का कितने रुपए बनेंगे? The US revenues we have pitched at about 5 crores. Total revenues, gross revenues. But उसमें से we'll be getting about 30-35% of that. Indian theaters से 1-1.5 crores. ठीक है. Satellite and digital 3 crores because the previous film was sold. That's a moderate thing we are putting in. Audio 30 lakhs and remake rights and all 50 lakhs. Total आपकी income होगी around 7 crores. 7 crores. 4.5 crores is the expense. 7 crores is the revenue. So 2.5 is the balance. So 2.5 में you get back 30%. You get your 2 crores plus 75 lakhs. It's 275. आपका अगर ये मूवी सक्सेसफुल होता है तो हम 75 लाख कमाएंगे, फेल करता है तो हम 2 करोड़ लॉस पे जाएंगे. Yes. ये तो बहुत खराब मैथ्स हो जाएगा. So, no, there's a minimum guarantee, at least for an OTT and digital, you have a minimum market. When it comes to distributors, आज की environment देख रहे हैं, even the OTTs, unless it's a big star film, are not giving you money. See, Rajendra Prasad and Gautami ji, there's a minimum guarantee, like people will watch and it's a family entertainer. इतने लोगों को movies में invest करना है, तो अभी भी मतलब आप यहाँ क्यों आए का clarity नहीं है, क्योंकि आपको इससे कुछ spike in, you know, कृष्णा रामा के views भी नहीं मिल रहा, तो आप Shark Tank पे आए क्यों है वो नहीं समझ रहा. ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको कोई fund नहीं कर रहा है. ऐसा ही है. ऐसा क्यों है अनुपम? Because nobody makes money in this business. First of all, I want to thank you. क्योंकि मेरे को बड़ा नॉस्टैल्जिक कर दिया आपने. राज डी को जानते हो आप? टुडे दे हैव बिकम बॉलीवुड्स बिगेस्ट डायरेक्टर्स. यस यस. अमंगस्ट द टॉप, राइट? उन्होंने एक पिक्चर पिच की थी एंड द मूवी वाज एग्जैक्टली दिस टू अ कपल. और वो कपल आता है यूएस एंड देन द फिल्म इज शॉट देयर एंड वी एक्चुअली मेड द फिल्म देयर एंड दे आर ऑल्सो तेलुगु एंड तमिल, राइट? बोथ दीज गाइस. एंड फ्रॉम देयर वी वेंट ऑन एंड वी मेड अनदर फिल्म. राज एंड डी के बिकेम द टॉप बॉलीवुड डायरेक्टर. बट आई लॉस्ट ऑल द मनी. और फिर मैंने बहुत स्टडी किया ये इंडस्ट्री के बारे में और मैंने ये समझा कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं इंडस्ट्री जो बहुत टाइम से कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, दे आर ऑल्सो इन हैवी डेट्स बट दे कीप डूइंग इट. फॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट सम प्रोड्यूसर्स स्कैमिंग मी. राज एंड डी के देमसेल्व्स वर नाइव, दे डिडंट नो, दे वर लर्निंग, दे वर इंजीनियर. अनुपम सॉरी, सी दे वर नो ओटीटीज ऑन दोस डेज. जो आज OTT लेके प्रोड्यूसर्स बोलते हैं ना, अभी तो OTT आ गया सर, पैसा सेफ है. उस टाइम क्या था पता है? सैटेलाइट टीवी. उस टाइम सैटेलाइट का 10-10 करोड़ दे रहे थे. आपने कितने पैसे खोए? नॉट अ फ्यू क्रोर्स. ठीक है यार, दिस इज पार्ट ऑफ लर्निंग. इट्स द प्राइस ऑफ लर्निंग. आई डोंट थिंक ऑफ इट एज अ लॉस. आई थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग. बट I've already learned. If they gave you a deal ki Anupam 30 lakh for 30% and act in the No, boss, I don't do Tollywood and Bollywood anymore, only Hollywood. Hollywood. Woh to aap leke nahi aaye ho. So anyway, we're shooting in US. This is Hollywood. So, Hollywood film. US mein shoot kaise hota hai na, itna glamorous jo aap bana rahe ho na, US mein 3 log aise chup chup ke shooting karte hain. Dard bol raha hai. 400 log shoot karte hain. Feel kar raha hai. आप इनको हीरो की तरह लोगे? अरे हीरो 70 साल का आदमी है यार. आप की एज क्या है? अरे हीरो के बेटे की जैसे. ये क्या कड़प्पा खुद तो आप बन के आए हो और मेरे को हीरो की बात कर रहे हम लोग का जो बिजनेस है उसका मॉडल मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ. हम लोग 10 कंपनी में अगर डालते हैं तो उसमें से 2-3 कंपनी होती है उनका 5-10 times रिटर्न्स होता है. बाकी 6-7 जो होती है उनका थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होता है पर लिक्विडिटी नहीं आता है. तो यहाँ जो अपसाइड है वो 5-10x है ही नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी काफी assumptions लिए हैं. तो ये जो हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं एंड आपका जो बिजनेस मॉडल है ये जेल नहीं हो रहे तो मैं आउट हूँ. मुझे मूवीज इंडस्ट्री का सेंस काफी कम है, मुझे नंबर्स समझ में आता है. नंबर्स कह रहे हैं कि पास्ट में प्रॉफिट नहीं बना है और आगे भी जो आप प्रॉमिस भी कर रहे हैं वो भी बहुत लिक्रेटिव नहीं है. तो ओवरऑल उन रीजंस से मतलब मैं आउट. इवन इफ वन वाज टू इन्वेस्ट इन द मूवी बिजनेस आपको पोर्टफोलियो अप्रोच से करना चाहिए बिकॉज नोबडी कैन प्रिडिक्ट हिट और फ्लॉप. हर कोई सोचता है हिट बनेगी, येट 80-90% ऑफ मूवीज आर फ्लॉप. ये लॉटरी टिकट खरीदने के बराबर है और तुक्का लग गया तो भाई लग गया. इस वजह से मैं आउट हूं बट गुड लक. हर एक इन्वेस्टर का एक स्टाइल होता है, स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, राइट? और मेरा स्टाइल ये है कि आई वांट टू बी विद माय कंपनीज लॉन्ग टर्म. तो ये जो आपका शॉर्ट टर्म वेंचर है व्हिच इज अ 1 ईयर वेंचर ना, ये मेरे स्टाइल और टाइम फ्रेम के साथ फिट नहीं होता है. फॉर दैट रीजन आई एम आउट. बट आई रियली होप दिस इज अ बिगर सक्सेस देन योर फर्स्ट वन.
तो मैं भी आउट हूँ. मेरे को ये लग रहा है कि 2 करोड़ लगा के मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना बहुत खराब है. और अगर मैं लगाता हूँ 2 करोड़ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 10 करोड़ तक तो मिनिमम ग्रोथ की एवेन्यू होती है. तो अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ अभी. एंड बट आई होप दिस मूवी डज वेल. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू.